एज यू गाइस कैन सी पूरा गर्म पानी है, मैंने इसे पैडलर देखा था। क्या लगता है क्या होगा टेम्परेचर अराउंड 40-45 ना? बट काफ़ी लोगों ने मुझे बोलता है वर्थ इट है यहाँ आना, और 100% यहाँ तक आना वर्थ इट ही है। सो हेलो, अभी बज रहे कुछ शाम के 6:30 और मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से, जाऊँगा मनाली रोड मॉल रोड अपनी, और यहाँ कुछ खाने पीने को देखूँगा। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है। एक्चुअली मेरे बैग की एक वो भी टूट गई तनी, वो भी जुड़वानी है, वो भी मॉल रोड से जुड़ेगी कहीं से, एंड लेट्स गो। तो मैं आया अपने हॉस्टल, आके तो बस इतनी थकावट हो रही थी पूरे सफ़र की कि बस सीधा सो ही गया। तो चलते हैं मॉल रोड से, थोड़ा सही से निकल जाऊँ, रास्ते में दिखाता हूँ आपको। अब तो रास्ता ऐसे कुछ तो मैं आ चुका हूँ मॉल रोड पे, अब देखता हूँ यहाँ पे पहले तो एक बैग सिलवाऊंगा अपना, बाकी कंटिन्यू करते हैं आ जाओ। और यहीं से पूरा चौक से ही हमारा मॉल रोड शुरू होता है, अभी मैंने जस्ट पूछा है पुलिस वाले से, और पीछे तक पूरा सीधा सीधा मॉल रोड है। हाँ तो यहाँ जैसे मॉल रोड पे कपड़ों की दुकानें हैं, ये है लाइक सब जगह की मॉल रोड जैसे होती हैं, शिमला की हर जगह की मॉल रोड सेम वैसी ही है, बस लुक बेटर है मुझे लग रहा है माउंटेन से सामने, शिमला में ज़्यादा विजिबल नहीं थे। तो बस यहाँ बाइक से बैग सही करवाया, ये पूरी मॉल रोड है सीधी, और ये सामने बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने बैठते हो भाई जी? किस किस टाइम बैठते हो सुबह से? 6 बजे से, और कितने बजे तक? 8 बजे तक। तो बैग ठीक हो गया है, अब जा रहा हूँ कुछ खाने का देखता हूँ। वैसे टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं देखता हूँ कुछ थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं, ब्रांडेड शॉप्स हैं जिसको शॉपिंग करनी है उसके लिए। बस यहाँ डोमिनोज नहीं है, जोमेटो नहीं है, उबर ईट्स नहीं है, उबर नहीं है, कोई भी ऐसे पॉपुलर ब्रांड नहीं है आने भी देते यहाँ के लोग, उनकी कमाई का साधन कम हो जाता है इसलिए। चलो देखते हैं आगे, मॉल रोड जो है मैंने बताई थी वहाँ से शुरू होती है और जस्ट यहीं ख़त्म हो जाती है, और मेरे पीछे व्यू बहुत बेहतरीन। तो अब मैं बस यहाँ मॉल रोड से थोड़ा सा आ गया हूँ खाने का देखने के लिए, मॉल रोड से थोड़ा सा आगे राइट लेंगे, यहीं बहुत सारी शॉप्स हैं लाइन से। तो मैं आया हूँ मंगल जी के ढाबे पे, यहाँ पे नमस्कार भाई साहब। तो यहाँ भाई साहब क्या क्या अवेलेबल होगा? अभी सर वेज और नॉन वेज दोनों है, वेज में क्या क्या अवेलेबल है? घिया की सब्जी है, हाँ जी, राजमा है, कढ़ी है, रोटी राइस। ओके तो सर ये अगर प्लेट के हिसाब से ले तो क्या रुपये प्लेट पड़ेगी? 70 रुपीज़ प्लेट पड़ती है, और नॉन वेज की 150 रुपीज़। यहाँ मेरी थाली आ चुकी है, ये है मटन सलाद और रोटियाँ जो कि अनलिमिटेड थाली है, आप जितना चाहे उतना खाएं 150 रुपये में, बिल्कुल बढ़िया से। तो सो खाना खा लिया है, आपको लोकेशन दिखा देता हूँ मैं एक बारी, यहाँ से पीछे आएंगे और ये सामने से गली जा रही है यहीं पर ही, और ये जस्ट मेरे पीछे है मॉल रोड। देन फूड वॉज ऑसम, अगर आपको कोई 150 रुपये में मटन की थाली एंड राइस एंड अनलिमिटेड रोटीज सब दे रहा है, स्वाद भी अच्छा था, टेस्ट वॉज गुड, और क्या चीज़ ज़िंदगी में। बस अब वापस आज अपने हॉस्टल की तरफ, मॉल रोड से ही रास्ता पड़ता है, एंड आज कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया बिकॉज आज ही आए थे एंड हेडेक में सारा दिन निकल गया, थकावट थी सफ़र की। आज रात को अपनी बैठ के आइटनरी तैयार करूँगा कि कल कैसे कैसे क्या क्या करना है। सी यू टुमारो मॉर्निंग। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज है मनाली day 2 और समय हो रहा है कुछ सुबह के 10:20, मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से। सो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मनाली की सारी लोकल साइट सीइंग, हडिम्बा टेम्पल एंड 2-3 और साइट सीन, यहाँ पे आप मनाली आए तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बस वैसे ही घूमने के लिए, और यहाँ का लोकल फूड कैसा होता है, और यहाँ के साइट सीनिंग मतलब हिडन थिंग्स, और ओल्ड मनाली मेन थिंग, दी ओल्ड मनाली वो तो A1। मनाली है मनाली पहाड़ पहाड़, इट्स ऑल अबाउट वाइब्स, सारी वाइब्स होती है गुड वाइब्स और कुछ नहीं, यहाँ पे आए चिल करें, रेस्ट करें,
बस पेड़ पौधे हैं, नेचर एंजॉय करें। मनाली में भी वही सिस्टम है जैसे शिमला विमला में होता है, दिन में थोड़ी बहुत गर्मी रहती है एंड रात में इट्स डैम कोल्ड मैन, यू हैव टू गेट सम क्लोथ्स, गेट सम वार्म क्लोथ्स इफ यू आर कमिंग हियर। लेट्स गो, आई शुड कंटिन्यू फ्रॉम डाउन देयर, लेट मी शो यू द लोकेशन। इस सामने ब्यास रिवर बह रही है और यहीं से कच्चा रास्ता निकलता है जस्ट जिसमें वॉक कर रहा हूँ। जस्ट हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग डाउन, इट्स लाइक वही जिस रोड से नीचे आया था वहाँ से सीधा यही ओल्ड मनाली पड़ता है एंड इधर जाओगे तो मॉल रोड आ जाती है। और अगर ओल्ड मनाली कभी आ रही हो ओल्ड मनाली तो दिस इज द पुल, एक पुल है इसको पुराना पुल या पुल के नाम से बोलते हैं, यहीं ये नदी बहती है और ऊपर जाके मेरा होटल आ जाता है और इसके बाद सीधा पूरा ओल्ड मनाली है और इससे पीछे जाओगे तो मॉल रोड और इसी रोड पर थोड़ा सा आगे जाके क्लब हाउस है, मैं आपको क्लब हाउस दिखा देता हूँ बाहर थोड़ा सा। बाकी क्लब हाउस में मैं आपको वैसे बता दूँ तो वहाँ पे सिर्फ गेम्स वेम्स कर सकते हैं या नॉर्मल झूले वूले होते हैं लाइक अ नॉर्मल पार्क यू नो। तो लेट मी शो यू, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरा क्लब हाउस, एंट्री टिकट 2500 रुपये और बच्चों के लिए 100 रुपये। लेट्स गो इनसाइड एंड सी। तो वो था क्लब हाउस, अब मैं जा रहा हूँ हडिम्बा टेम्पल की तरफ, हडिम्बा टेम्पल दिखाऊंगा कैसा है। एंड सेकंड थिंग है, कल मैं जब मॉल रोड निकला था ना मैं आपको बता रहा था कि ऑटो को ऑटो किराया काफ़ी ज़्यादा होता है 150-200 रुपीज़। बट कल मैंने एक लोकल से बात करी और एक लोकल के साथ कल मैंने राइड भी करी थी तो उनसे 20 रुपये लिए थे किराए के, मतलब ओल्ड मनाली से लेके मॉल रोड तक के। तो थिंग इज दैट यू जस्ट हैव टू नो, वो टूरिस्ट देख के ऐसा मांगते हैं शेयरिंग बेसिस पे यहाँ पे 20-30 रुपये मिल जाता है ऑटो। तो दैट्स द थिंग मैम, अगर आप यहाँ आ रहे हैं थोड़ा ध्यान रखें, ट्रिक से यूज़ करें और कॉन्फिडेंसली बात करें, ऐसे ज़्यादा मत दिखाएं कि आप टूरिस्ट हैं, बस हमको साफ बोले आई नो 20 रुपये लगते हैं 30 रुपये लगते हैं शेयरिंग बेसिस पे चलते हैं। बाकी हडिम्बा देवी टेम्पल यहाँ से 5-2 किलोमीटर दूर है, देखते पहुँच जाओ ना। तो उसके बाद आज के दिन सारी लोकल साइट सीन करूँगा वॉक करते करते जहाँ जहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मनाली में सब कुछ लिटरली याद रखना आसपास ही है, सब कुछ 2-3 किलोमीटर दूर ही है। यू डोंट नीड टू हायर टैक्सी कैब नथिंग, जस्ट वॉक करते करते आप सब कुछ घूम सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में निकल जाए जैसे मैं निकला और उसके बाद सब कुछ आसपास ही है, आराम से देख सकते हैं घूम सकते हैं। एंड द थिंग इज घूमना क्या होता है, घूमना ये नहीं होता जिप्सी हायर कर ली गाड़ी ले ली एंड यू आर जस्ट हैंगिंग अराउंड, यू आर वॉकिंग, यू आर लिटरली वॉकिंग एंड टॉकिंग विद द पीपल, उनसे बात कर रहे हैं लोगों से, लोकल से बात कर रहे हैं, वहाँ की जगह को देख रहे हैं। तो मैं अब आ चुका हूँ हडिम्बा टेम्पल, ये कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं हडिम्बा टेम्पल की तरफ। यहाँ से सीढ़े जाते हैं, सो दिस इज हडिम्बा टेम्पल इन बैक साइड ऑफ मी। सो हडिम्बा टेम्पल के बारे में आपको ज़्यादा बताऊँ तो इसको डूंगरी टेम्पल भी बोलते हैं लोकली, और ये बनाया गया था 1513 में महाराजा विदुर सिंह के द्वारा। और यहाँ पे जो हडिम्बा है जो कि भीम की वाइफ थी वो यहाँ पे मेडिटेशन करती थी, तो इसी के बारे में आके ज़्यादा जानकारी के लिए यू कैन डू विकीपीडिया एंड ऑल द स्टफ्स यू नो। बेसिक जानकारी यही थी कि इसको लोकली डूंगरी टेम्पल भी कहते हैं और 1513 में बनाया गया था, बस ऑल यही है, सुंदर आर्किटेक्चर एंड यू नो गुड वाइब्स, अच्छी लोकेशन है। आप यहाँ पे आए आराम से बैठ के कुछ चिल कर सकते हैं, लाइक यहाँ बेंचेस लग रहे हैं सब कुछ एंड
चाहे तो फोटोग्राफ खिंचवा सकती हैं सीधे। सर क्या लेते हैं फोटो का? सर 60 रुपीज प्रिंट है और हैंड टू हैंड देते हैं। यस सर। तो आप यहाँ पे आए तो फोटोज खिंचवा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रिंस। तो प्रिंस के द्वारा मनाली फोटोशूट करके इंस्टाग्राम पे भी पेज है। सर डू फॉलो हिम। क्या नाम है आपके पेज का? मनाली फोटोशूट। मनाली फोटोशूट डॉट कॉम या वहाँ पे आप मेरा वर्क देख सकते हैं। सो कीप इन टच विद हिम और जब भी यहाँ पे आए इनसे फोटोशूट करवा सकते हैं जो कुछ भी है। सर कुछ बताइए इस टेम्पल के बारे में। ये 553 में बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली, पर वैसे महाराज विदुर सिंह द्वारा बनाया गया था, पर ये उससे काफी पुराना, उससे पहले का है। बाकी टेम्पल पूरा देवदार के वुडन का बना हुआ है, जो पेड़ आप देख रहे हो पीछे उन्हीं से बना हुआ है। हर 10-15 साल में अगर लकड़ी खराब हो जाती है तो ये देवदार की लकड़ी है जो इस पे लगाई जाती है। हर 10-15 साल बाद 10-15 साल जैसे कोई लकड़ी खराब हो गई तो वो लगाई जाती है। सो दिस इज द थिंग जो कोई लोकली बता सकता है कि हर 10-15 साल के बाद यहाँ पे लकड़ी बल जाती है तो मेंटेन द स्ट्रक्चर, राइट? सो यस। सो थैंक यू सो मच एंड कुछ होता तो यहाँ पे आए, अच्छे फोटोज खिंचवाएं, सर से मिलें और यही थोड़ा बहुत बैठ के इन्जॉय करें। बाकी चलते हैं मनाली का आगे टूर। तो ये था पूरा डिम्बा टेम्पल एज यू कैन सी, और इसके जस्ट बाद ये है मन्नू देव टेम्पल। आप चाहें तो यहाँ से थोड़े से दूर है, 600 मीटर दूर, इसमें यहाँ भी आ सकते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ जोगनी वाटरफॉल, दिखाता हूँ वो भी, और वो शायद आज की लास्ट काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। वशिष्ठ टेम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा पीछे वशिष्ठ टेम्पल है। मैं एक बार बैक कैमरे से भी आपको दिखा दूंगा। और जोगनी फॉल, यहाँ से ऊपर जाके जोगनी फॉल पड़ता है करीब 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से। और लेट्स सी, दिखाता हूँ आपको आगे का। तो यहाँ पे आए आप वशिष्ठ टेम्पल में, यहाँ पे आकर आराम से नहा सकते हैं। यहाँ गर्म पानी आपको बताता हूँ, यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है जो यहाँ पे आप आके नहा सकते हैं थोड़ी देर। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये पूरा है, क्योंकि हॉट वाटर होता है, एंटी मेडिसिन भी कहते हैं, स्किन के लिए अच्छा होता है यहाँ का पानी। तो यहाँ आए जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है, चाहे तो यहाँ पे आके नहा सकते हैं। एज यू गाइस कैन सी पूरा गर्म पानी है, मैंने जैसे पैडलॉक देखा था। कितना गर्म है भाई? क्या लगता है क्या होगा टेम्परेचर अराउंड? तो गाइज यहाँ आए तो नहा सकते हैं। बस यही था वशिष्ठ टेम्पल, मतलब मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है भैया। गर्म पानी का कुंड है, चाहो तो नहाओ, थोड़ी देर टाइम पास करो और आगे बढ़ो अपने रास्ते पे। ये मनाली की टिपिकल गलियाँ जो शायद आपको कोई ना दिखाए, क्योंकि घर बन रहे हैं काफी सुंदर सुंदर। पता नहीं शायद आप देख पा रहे हैं यहाँ सोलर का यूज होता है लाइट जाने के लिए। एंड यहाँ आपको हर जगह एप्पल दिख जाएंगे, देखो सामने सामने कई सारे एप्पल्स के पेड़ हैं और बहुत गजब व्यू है। वहाँ नीचे से मैं आ रहा हूँ और अभी काफ़ी ऊपर जाना, अभी तो 1 घंटे की चढ़ाई है। बोलो चलो कोई नहीं, बट लोकेशन इज़ अमेजिंग। सो करेक्ट थिंग Whenever you coming here, like जोगनी फॉल और कहीं भी जा रहे हो ऐसे, तो एक पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स अपने पास जरूर रखना खाने के लिए, अच्छा रहता है। मैंने पास भी अपने पास एक पानी की बोतल रखी हुई थी, काफ़ी हेल्प हुई उससे। जस्ट बिट ऑफ एडवाइस यही है, यहाँ आए फोटोज क्लिक करें, इंजॉय करें नेचर को, और गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, अपनी गंदगी अपने साथ लेके जाए।
मैन, लुक एट द व्यू, वहाँ से पानी आ रहा है धीरे धीरे. इट्स अमेजिंग व्यू, अमेजिंग. बहुत मेहनत लगी यहाँ तक आने में, करीब करीब 2.5 घंटे की ट्रैकिंग है और करीब काफ़ी स्टीप है, बिल्कुल सीधी, बट काफ़ी लोगों ने मुझे बोलता है वर्थ इट है यहाँ आना, और 100% यहाँ तक आना वर्थ इट ही है. बड़ा अमेजिंग व्यू. अगर आप मनाली आएँ तो यहाँ आना चाहिए. काफ़ी मज़ा आ रहा है और मैंने यहाँ का पानी पिया, बिल्कुल अच्छा मीठा पानी है, बहुत बढ़िया, कोई मतलब दो राय नहीं इसमें. आओ यार, एंजॉय करो. देखो भाई वहाँ सामने से एंजॉय कर रहे हैं. तो यही था पूरा आपका जोगनी वाटरफॉल जो मेरे पीछे है, काफ़ी अच्छा है. आप आएँ, नहाना चाहें तो यहाँ नहा सकते हैं, फिल मारना चाहें बैठ सकते हैं आराम से. बाकी अगर नहाएंगे भी नहीं तो मेरे बैठेंगे तभी वाटर वेपर से गीले हो ही जाएंगे. बट सच ए नाइस प्लेस, यहाँ आना चाहिए. ट्रैकिंग काफ़ी स्टीप है, काफ़ी मुश्किल ट्रैकिंग है वैसे यहाँ की. 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, करीब 1.5 घंटा लग जाता है. और कुछ नहीं, अब काफ़ी लेट हो गया, 4 करीब बज गए हैं और 1 बजे का मैं चल रहा था. अब इस सुंदर नज़ारे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा वैसे तो. नॉट दैट वन. तो बस अब वापस हॉस्टल जाऊंगा, अपने खाना खाऊंगा रास्ते में, मॉल रोड पे कहीं पर, या वहीं खाना कल खाया था देखता हूँ. अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें. जिन जिन को जोगनी वाटरफॉल आना है उसके लिए काफ़ी इजी रास्ता बताया मैंने, कि मंदिर से बिल्कुल सीधी रोड आती है, वहाँ से आप आ सकते हैं. और मॉल रोड से थोड़ा सा आ गई है 4-5 किलोमीटर दूर, और डायरेक्ट ऑटो मिल जाती है 40-50-80 रुपीज़ के अराउंड अराउंड. हाय, हाउ आर यू? बहुत अच्छा. सो बस अब हम निकल चुके हैं वापस अपने घर की तरफ, एंड सर मिले हैं, सर ने मुझे लिफ्ट दी, थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. हाँ, दो भाई और हमारे साथ, वो आपको आगे दिखाऊंगा. एंड बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके, भाई गोवा से हैं, एंड सो नाइस. भाई मिले हैं तो इन्होंने मुझे कहा, वहीं मिले थे वाटरफॉल के आसपास, तो उन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ मंडी तक ड्रॉप करे. थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल. बी काइंड ब्रो. हां, बी काइंड, नेवर क्विट. आप कहाँ से हैं? बॉम्बे. बॉम्बे. मैं गोवा से. ये भैया गोवा से हैं. हम भी गोवा से, बॉम्बे से, दोनों. और बहुत अच्छा लगा मिलकर इनसे. सर कैसे लगा मनाली आपको? बहुत अच्छा. क्राउड थोड़ा कम है लेकिन जो भी है अभी यही है, क्योंकि कोविड की वेव आई थी सेकंड वेव, उसके बाद से थोड़ा कम क्राउड है. एनीवेज थैंक यू सो मच अगेन ऑल योर व्यूज. सो अब मैं आ गया हूँ एक ढाबे पे, जो कि जहाँ मैंने कल खाया था खाना उसके नियर बाय ही है. अब मैंने सोचा थोड़ी डिफरेंट वैरायटी ट्राई कर जाए. अगर आपको यहाँ का मेन्यू दिखा दूँ, ये भाई सब साथ में हैं, खाना खाएंगे जम के. खाना हमने खा लिया है, अब जा रहे हैं वापस हॉस्टल की साइड. द फूड वॉज नॉट ओके, बहुत ज़्यादा ऑयल था. क्यों गाइस, खाना कैसा था? अलग अलग जगह पे इसलिए ट्राई करो ताकि आप आए तो आपको फूड बताओ कहाँ पे कैसा अच्छा मिलता है. सो टिल देन बी टुगेदर. अब मैं हॉस्टल में जाके कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या करना है. काफ़ी थक गए हैं, मैं भी शायद आज आराम ही करूँ. अब कल का प्लान है, कहाँ का प्लान है? सोलंग का. कल सोलंग शायद जाऊँ.
अभी मॉल रोड भी था, चलो आपको मॉल रोड पर कुछ चीज़ें दिखा दो शॉपिंग की। चले रहे भाई भाई, बाकी दूसरा सर ये कितने की है? 550 रुपये। और ये वाली? ये वाला 650 रुपये की है। 550 650। और ये जो दिखा रहे हैं आप, ये सभी का प्राइस अलग अलग है और सभी वन पीस लेदर में है सभी। ओके ओके, ओरिजिनल लेदर में है, वन टाइम वर्किंग लाइफ टाइम यूज है। और ये वाली आपने कितने की बताई? ये 750 का है। 750 का लेदर है। ओके सर, ये शॉप कैसे, शॉप नंबर वाइज होती है कि कैसे होती है? नंबर वाइज नहीं होता सर ये। तो लाइसेंस कैसे मिलता है मॉल रोड पे? तो लाइसेंस कैसे मिलता है? प्राइवेट है ये तो। अच्छा प्राइवेट है सारा? प्राइवेट है। ओके, यहाँ पूरी यहीं से मॉल रोड कलर दिखाई दी स्टार्टिंग होती है। मैं वापस आ गया हूँ अपने हॉस्टल में, ऑन द वे टू हॉस्टल। एक मैंने ली दूसरी थैली, जो भी है इसका नाम है BRG, 500 आधा लीटर की है, 25 रुपये की। कह रहे हैं यही चलती है यहाँ पर, होटल में जाके हॉस्टल में जाके कॉफ़ी पियेंगे बस। और हाँ, मॉल रोड पे आए थोड़ा केयरफुल रहे। हर यूट्यूबर ने बता रखा है कि जाएंगे गांजा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बी केयरफुल। मैं वापस जाता हूँ, आज के दिन को शायद यहीं ख़त्म करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को। मनाली घूमने से पहले ये वीडियो देखें, जिस जिसको आपके फ्रेंड को मनाली जाना है उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। एंड नाउ आई एम गोइंग ऑफ टू माई हॉस्टल। नाउ आई थिंक आई शुड फोकस ऑन माई हिच हाइक। गुलंग वैली 4 किलोमीटर। थैंक यू भाई। इन दैट ट्रक ये सोलंग वैली।